आज आप देख रहे हैं हमारा डाइट स्पेशल, और इस डाइट स्पेशल में एक सूप बना है जिसमें ढेर सारी सब्जियां, लेकिन कैलोरीज नदारद, बहुत ही कम कैलोरीज थी। अब बनाते हैं एक और सब्जी, और इसमें क्या टेस्ट देते हैं हम देखते हैं। और ये जो है बीन्स के साथ में हम बनाएंगे। ये जो रेसिपी है इसमें मैं ये ले रहा हूँ फ्रेश रेड चिली, बस इसमें नाम भर के लिए तेल, करीब आधा टीस्पून भी तेल नहीं। और फिर इसमें हम डालते हैं ये अदरक, फ्रेश अदरक बारीक कटा हुआ, चॉप किया हुआ या ग्रेट किया हुआ। और फिर इसमें हम डालते हैं ये बीन्स। बीन्स लेकर आप उसे स्ट्रिंग कर लें, और बीन्स को आप गर्म पानी में करीब 2-3 मिनट तक रखें, फिर निकाल दें। और वो बीन्स हमें चाहिए, ये देखिए, ये फ्रेश बीन्स ब्लांच की हुई। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, ये मेरे पास लाल मिर्च, फ्रेश रेड चिली, और ये मेरे पास है थोड़ी सी सेसमी। जी हाँ, ये जो है ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेसमी सीड्स जो हैं उसमें भी कैलोरीज काफ़ी होती हैं, लेकिन थोड़ी सी सेसमी इसमें डालनी है हमने। ये सिर्फ नटी टेस्ट देने के लिए, हल्का सा इसे कोट करने के लिए, और बड़ा मिस्टीरियस सा टेस्ट आता है इसका। और उसके साथ साथ शहद, और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा विनेगर, ये लीजिए। यानी खट्टा मीठा तीखा सब टेस्ट इन बीन्स के अंदर, ये देखिए। और इसे सर्व करने के लिए ये लीजिए, और थोड़ी सी सेसमी सीड्स इसके ऊपर। ढेर सारी बीन्स खाएं, टेस्टी डिलिशियस। देखिए, अगर सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो आपकी डाइट बड़ी अच्छी रहेगी। लोग सब्जियों से भागते हैं, उनको टेस्टी बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, और ढेर सारा खाएं, अभी खाएं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 2 छोटे चम्मच तिल की पेस्ट, 2 ताजी लाल मिर्चें कटी हुई, 2 छोटे चम्मच तेल, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच शहद, 2 छोटे चम्मच विनेगर यानी सिरका, और 2 छोटे चम्मच भुने तिल। इसे बनाने के लिए बीन्स को गर्म पानी में करीब 5 मिनट तक पकाएं, और इसे छानकर ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके इसमें अदरक डालकर भुनें, फिर इसके अंदर उबली हुई बीन्स, नमक, ताजी लाल मिर्चें और तिल की पेस्ट डालकर मिलाएं, इसके साथ शहद और विनेगर डालकर मिलाएं, और इसे भुने तिल से सजाकर सर्व करें।